माँ इससे अच्छा खाना तो लोग मैयत में रखते हैं, कुछ और कर लो यार। क्या बकवास कर रही है? मैं शादी की बात कर रही हूँ, तू मैयत की बात कर रही है। अच्छा खाने को छोड़ो, ये बताओ शादी के बाद मेरा कमरा कौन सा होगा? कौन सा मतलब? अरे जिसमें तू रह रहा है वही होगा, और कौन सा होगा? अम्मा ये कमरा तो बहुत छोटा है, इसमें जैसे सामान कैसे आएगा? अरे तुझे किसने कह दिया कि जेज मिल रहा है? अच्छा ठीक है, शमीम की शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी अपने घर, नीचो मेरे साथ सो जाएगी, तू वो वाला कमरा ले लीजियो। भाई उसमें भी पहले से बहुत सामान है, उसमें भी जेज का सामान नहीं आएगा। अरे तो मैंने कहा ना, जेज वेज की कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने मेहरू निशा को कह दिया था ना, मैं जेज दूंगी ना ही जेज लूंगी। अम्मा ये क्या चरांद है, जैसे के बाद में नया सामान आ जाता है, वो भी तुमने छोड़ दिया। अरे ये तू सोच ना, हम ना शमीम को जेज नहीं देंगे, दो कपड़ों में रुखसत कर देंगे बस। भाई मुझे नहीं पता जहेज चाहिए, एक तो नुसरत जैसी लड़की से शादी करो, उस तो भी जहेज ना मिले तो लानत ऐसी शादी पे। तुझे जहेज चाहिए ना, अपनी चहेती से ले लेना बतूल से। अच्छा जहेज बतूल से ले आऊं, और जिसे डबल लेना चाहिए उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? माँ अच्छी जा रही हो। अरे बस मेरा दिमाग नहीं खराब कर, जो मैंने कह दिया तो कह दिया बस। माँ तुम्हें क्या लगता है, इखलाक चवन्नी भी देगा जहेज में? वो तो एक नंबर का कमीना इंसान है। अरे तो इखलाक क्यों देगा, उसकी माँ देगी ना, शाहजहाँ बेगम। ओ शाहजहाँ, शाहजहाँ दे ही ना दे, जिसने अपनी लड़की इखलाक पे छोड़ दी वो जहेज देगी? अच्छा छोड़ दू, चल जो हम काम कर रहे थे ना वो कर, चल जल्दी से लिख। भाई मैं नहीं कर रहा काम, तू ही कर लो। ये लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? नहीं लिख रहा भाई। जब मैं तेरी शादी भी नहीं करा रही, चल निकल यहाँ से, बेटा रही हो ऐसी, ऐसी बुढ़ा हो जाएगी हो तू मनोज, वैसी बुढ़ा हो रहा है तू। बकरी का दिमाग खराब कर, जे जे जे।